यहाँ माँ लक्ष्मी है, दुर्गा है और शिव का परिवार। यहाँ माँ लक्ष्मी है, दुर्गा है और शिव का परिवार। यहाँ है बालाजी, बालाजी सबके संकट हार। यहाँ पर सबके संकट हार। और पांच देव संग बैठा ये विष्णु अवतारी है। और पांच देव संग बैठा ये विष्णु अवतारी है। और डंके की चोट में कहता हूं क्या, ये पंच देव दरबार हर धाम पे भारी है। कौन कौन मानता है जरा हाथ उठा के बताना कि मेरे बाबा जी का दरबार सब धामों पे भारी है। पूरे पूरे सीधे हाथ। और ये पंक्तियां मेरे साथ मिलके दोहराना, ये पंचदेव दरबार हर धाम पे भारी है। ये पंचदेव दरबार हर धाम पे भारी है। यहाँ माँ लक्ष्मी है, दुर्गा है और शिव का परिवार। यहाँ है बालाजी, बालाजी सबके संकट हार। पांच देव संग बैठा ये विष्णु अवतारी है। हर पांच देव संग बैठा ये विष्णु अवतारी है। पांच देव दरबार हर धाम पे भारी है। ये पांच देव दरबार हर धाम पे भारी है। ये तालियां जोड़ा। त्रेता के ये गीतो रघुराई है। त्रेता के ये गीतो रघुराई है। द्वापर के ये तो कृष्ण कन्हाई है। द्वापर के ये तो कृष्ण कन्हाई है। राम के गुण गंगा की पावनता सारी इस देव में समाई है। सारी इस देव और पुरुलिया वाले भी, पटना वाले और पुरुलिया वाले जो भी भक्त हैं वो दरबार में आ जाए एक बार। पंचदेव दरबार हर धाम पे भारी है। ये पंचदेव दरबार हर धाम पे भारी है। चाहे मंदिर हो चाहे तीर्थ हो, चाहे मंदिर हो चाहे तीर्थ हो, चाहे सोने की उसमें मूरत हो, चाहे सोने की उसमें मूरत हो। राम वो तो जब ही कहलाता है, राम वो ही कहलाता है। देव की जैसा इसमें सेवक हो, देव की जैसा इसमें सेवक हो। तो वही से भक्तों की होती हर इच्छा पूरी है। और वही से भक्त
भजन खत्म हो गया, सारे मिलके कहना ये पंचदेव दरबार हर धाम, ये पंचदेव दरबार हर धाम पे भारी। उठाना पूरे पूरे सीधे हाथ एक बार अंतिम बार ताली बजा के एक साथ कहना ये पंचदेव दरबार हर धाम पे भारी है, ये पंचदेव दरबार हर धाम पे भारी है। साचे दरबार की जय। और सारे मिलके कहिएगा अरे बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में, बोलिए बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों। बाबा आपकी नगरी पुरुलिया में आए हैं और अगर आज आपने बाबा से ये बंधन बना लिया तो ताउम्र नहीं जन्मों जन्मों तक नहीं टूटेगा। बोल बाबा गंगाराम की। और जिन्होंने ये बाबा से बंधन बनाना है सारे मिलके कहना बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में, बोलिए आपके चरणों में है बाबा, आपके चरणों में है, आपके चरणों में बाबा चरणों में। दीन दुखियों का गुजारा आपके चरणों में। और उठाइए पूरे पूरे दोनों हाथ और तालियां बजा के एक साथ कहना बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में, बोलिए बाबा ये जीवन हमारा आपके बाबा ये।
आपने कलकत्ता वाले के सारे भक्तों को दरबार में बुलाया और हर एक भक्त दरबार में आके झूम के नाच के बाबा को रिझा के गया। अब पटना वाले कहाँ है? पटना वाले और पुरुलिया वाले एक बार आ जाइए जहाँ भी हैं। भाई मैं तो सबको नहीं जानता हूँ। सुधीर बाबू आगे आइए। सुधीर जी आ जाइए प्लीज। और सारे मिलके कहना क्या? ओ बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में। अरे बाबा ये जीवन हमारा आपके चरणों में। ओ आपके चरणों में बाबा, आपके चरणों में। ओ आपके चरणों और ये पटना के भक्त बाबा से क्या कहते हैं दादा? आ जाइए प्लीज। ये पटना वाले भक्त बाबा से कहते हैं क्या? ओ सीख लीजिए सीख। ओ बाबा तेरा लख लख शुक्राना। ओ बाबा तेरा लख लख शुक्राना। ओ बाबा तेरा लख लख शुक्राना। ओ बाबा तेरा लख लख
ओ बाबा तेरा लख लख शुकराना, ओ बाबा तेरा लख लख शुकराना, ओ बाबा तेरा लख लख शुकराना। गंगा भैया, गंगा भैया, ये देखिए, जय हो। कि जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ, तो बाबा आप पर इतनी मेहर करता है, आपको अपने चरणों से अपने दर से लगा के रखा है, तो उठा लेना पूरे पूरे दोनों हाथ और एक साथ तालियां बजा के कहना, ओ बाबा तेरा लख लख, ओ बाबा तेरा लख लख शुक्राना, ओ बाबा तेरा लख लख शुक्राना, ओ बाबा तेरा लख लख शुक्राना। ए बाबा करते वाला
शुक्राना। और बाबा आज बाबा देख अरदास और कर लेना, वो कर दो बेड़ा पार, बोलिए कर दो शरण हम आए हैं, कर दो भाई आपके लिए मैं नहीं मांग सकता, प्रॉक्सी नहीं चलेगी, जीने जीने चाहिए, उठाना पूरे पूरे दोनों हाथ और तालियां बजा के कहना कर दो बेड़ा पार शरण हम आए, आकांक्षा भी नहीं की, जाऊं मैं किसके द्वार शरण हम आए, अभी आप राजेश जी चतुर्वेदी से प्यारे प्यारे भजन सुन रहे थे, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बोलिए बाबा गंगाराम जी की, भक्त श्रोमणी श्री देव की नंदन जी की, परम आराधिका माता गायत्री की, बोलिए पंचदेव दरबार की। देखिए आज मैं सच कहूंगा, पुरुलिया का बन के मैं कहूंगा आज, क्योंकि आज पुरुलिया वालों के लिए बड़ा शुभ दिन है। इस उत्सव के लिए करीब करीब 4 साल से मैं झुंझुनू मंदिर में अर्जे लगा रहा हूं कि मुझे इतना मिला है बाबा जी के दरबार से, जब जब जहां जहां मुझे तकलीफ हुई हर समय बाबा जी ने हाथ पकड़कर भव से पार किया है। और मेरी जन्मभूमि मेरी कर्म भूमि अगर यहाँ ना हो बाबा जी का उत्सव तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अर्जी कर रहा था, विनती कर रहा था, इस बार जाकर वो अर्जी स्वीकार हुई 4 सालों बाद और बाबा जी झुंझुनू से हमारे बीच आ गए। और जितने भी पुरुलिया के भक्त आए हैं मैं उनसे विनती करूंगा, आप सब बहुत बार गए हैं झुंझुनू धाम, बहुत से लोग गए हैं यहाँ पंचदेव मंदिर, और बहुत से ऐसे हैं जो पहली बार बाबा जी के दरबार में आए हैं। विश्वास मानिए इस कलयुग में ये ऐसे देव हैं, ये अपने भक्तों के काम ऐसे बनाते हैं, इतनी कृपा बाबा गंगाराम जी के अपने भक्तों पर है। अगर मैं इनके चमत्कार इनकी महिमा बताना शुरू करूं तो 3-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन महिमा और चमत्कार खत्म नहीं होंगे, इतनी कृपा है बाबा गंगाराम जी की। और इस कलयुग में साक्षात
जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म बढ़ा है, तब तब हरि विष्णु ने अवतार लिया है किसी न किसी रूप में। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, प्रभु राम भी मनुष्य जीवन लेकर आए, मनुष्य तन लेकर आए, नर तन लेकर आए, कृष्ण भी, और इस कलयुग में बाबा गंगाराम जी भी। आज बाबा गंगाराम जी की पूरी महिमा, कैसे बाबा गंगाराम जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे भक्त शिरोमणि उनके अनन्य भक्त देवकीनंदन जी मोदी, कैसे बाबा जी ने उन पर कृपा बरसाई, कैसे उनका भक्त शिरोमणि नाम पड़ा, कैसे बाबा गंगाराम जी की कृपा से, आदेश से विशाल पंचदेव मंदिर झुंझुनू धाम में बना, कैसे ये तस्वीर लगी है ममता मई परम आराधिका माता गायत्री की, कैसे माँ ने भक्त शिरोमणि के स्वधाम गमन के बाद बाबा जी की त्याग तपस्या, सच्ची साधना, सच्ची सेवा की। और यही नहीं, इनका पूरा परिवार, चार लड़कियां और दो लड़के, सबके सब बाबा जी की सेवा में आज भी लगे हैं। करीब करीब 35 साल हो गए झुंझुनू मंदिर से बाहर उन लोगों ने पैर नहीं निकाला। मंदिर ही उनका घर है, परिवार है, संसार है, और मंदिर में ही वो बाबा जी की सेवा में लीन रहते हैं। इस कलयुग में इतना बड़ा त्याग सुनने को ही नहीं मिलता, देखने को तो बहुत दूर की बात है। पूरी महिमा का चित्रण आपके सामने यहाँ होगा इस मंच में। बाबा गंगाराम जी भी पधारेंगे, भक्त शिरोमणि भी पधारेंगे, माता गायत्री भी पधारेगी, और जितने भक्त आए हैं मैं उनसे विनती करूंगा, पहली बार आप लोग आए हैं, कौन कौन है एक बार जरा मैं देखूं, पहली बार कौन कौन आया बाबा जी के दरबार में, एक बार हाथ उठाकर दिखा देना। इतने भक्त पहली बार आए हैं तो एक जयकार पहले तो जोरदार लगाइए अपनी किस्मत के लिए, बोले बाबा गंगाराम की जय। हम सब जानते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखो तैसी। मेरे लिए तो बाबा गंगाराम के श्री चरणों में, बाबा गंगाराम की इस मूर्ति में मैं इनमें ही राम देख लेता हूँ, इनमें ही श्याम देख लेता हूँ, इनमें ही कृष्ण देख लेता हूँ। सारे देवी देवता एक ही में समाये हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सीएम हर स्टेट में अलग अलग है, लेकिन पीएम तो एक ही होता है, वो सबसे सुपर पावर होता है। और ये विनती मैं आपसे करूँगा, अभी और भी सारे भक्त आ रहे हैं बाबा जी के श्री चरणों में, बाबा जी की महिमा की नित्य नाटिका यहाँ पर साक्षात आपके सामने दर्शन बाबा जी के होंगे, भक्त शिरोमणि के होंगे। और इतनी कृपा है बाबा गंगाराम जी की, धीरे धीरे जैसे जैसे समय मिलता जाएगा हम लोग बताते जाएंगे आपको। और मैं विनती करूँगा हमारे विजय भैया से, विजय सरावगी जी से, कि वो सम्मान करें, क्योंकि पग पग पर भगवान साथ खड़े नहीं होते, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, होते हैं क्या? होते हैं, मैं पुरले वाले से पूछ रहा हूँ, होते हैं क्या भगवान पग पग पर साथ? किसे किसे भरोसा है, एक बार जयकार लगाना साचे दरबार की जय। क्या बात, भगवान पग पग पर साथ होते हैं, अगर मन में भरोसा है, मन में विश्वास है, सच्ची भावना है, और लोग जुड़ते चले जाते हैं, भक्त जुड़ते चले जाते हैं। चार साल की अर्जी पूरी हुई, अथा प्रयास हमारे कलकत्ता वालों का, पटना वालों का और पुरलिया वालों का है कि हमें सेवा का मौका मिला, बाबा गंगाराम जी की सेवा का, विष्णु अवतार की सेवा का, कलिमल हारी की सेवा का, और हम लोग सेवा में लग गए। बाबा जी ने इतना सुंदर दरबार सजा दिया, सारे भक्तों को बुला लिया, और जिसकी हाजिरी जब लिखी है वो आएंगे। तो कुछ सम्मान जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो मैं कराऊं, उससे पहले मैं एक विनती करूँगा कि ये सम्मान हो, उससे पहले एक बार पुरुलिया वालों के लिए आप लोग ज़ोरदार तालियां बजा लीजिए। और ये नाम मैं स्पेशली लूंगा, बाबा गंगाराम सेवा समिति पुरुलिया, पुरुलिया जोरदार तालियां बजा दी। और विशेष सहयोग हमारे बाबा गंगाराम सेवा समिति पटना, उनके लिए भी एक बार, और कलकत्ता के लिए भी एक बार, और सबसे जोरदार तालियां बाबा गंगाराम जी के लिए बजा लीजिए जयकार लगाते हुए, बोलिए बाबा गंगाराम की जय। विनती करूंगा हमारे विजय भैया से कि आकर सम्मान का काम आगे बढ़ाए। पुरलिया श्री मारवाड़ी पंचायत की तरफ से मैं यहाँ उपस्थित मातृशक्ति को एवं सभी महानुभाव को मेरा अभिनंदन, अभिवादन एवं स्वागत करता हूँ। पुरलिया के वासियों के लिए एक सूचना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं पुरलिया श्री मारवाड़ी पंचायत आगामी दिनांक 11 नवंबर रविवार पुरलिया स्थानीय रविंद्र भवन वाताकुंडलित ऑडिटोरियम में
एक सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रही है, जिसमें हमारे समाज के उन सभी उत्तीर्ण बच्चे जो कि मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन पास, प्रोफेशन कोर्स, MBA, BTEC, MTEC, CA और MBBS, उन सभी को वहाँ हमारे पुरुलिया के, बंगाल के कुछ मंत्री एवं पुरुलिया के सभी चेयरमैन के उपस्थिति में उनका सम्मान किया जाएगा। जिस बच्चों ने अभी तक अपना नाम नहीं भरा है वो कृपया भरे, और यहाँ उपस्थित सभी पुरुलिया वासियों से मेरा अनुरोध रहेगा वे अपने बच्चों के साथ उस कार्यक्रम में आवे, ताकि जिन बच्चों को ये सम्मान दिया जाएगा हमारे अगले साल होने वाले फिर उसी कार्यक्रम में हमारे जिन बच्चों ने ये प्रोत्साहन नहीं मिला है उनका भी उत्साह मिलेगा। धन्यवाद। और जैसा कि मुझे यहाँ सूचित किया गया है, पुरुलिया के कुछ समाज के सदस्यों ने जिनका समाज के प्रति, साथ ही साथ यहाँ बाबा गंगाराम सेवा समिति के इस कार्य में उनका विशेष सहयोग रहा है, उनको मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वो कृपया मंच पर आवे और हमारे कोलकाता एवं पटना से आए हुए अनुरोध करूँगा वो उनका दुपट्टा से पहना कर उनका सम्मान करें। सर्वप्रथम मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय श्री किशन कुमार जी बिनानी से अनुरोध करता हूँ, वो कृपया मंच पर आवे, हम उनका सम्मान, कृपया जोरदार ताली से स्वागत करें। आपकी इन हाथों की तालियां हमारे इस उत्साह को और ज़्यादा वर्धन करेगी। श्री किशन कुमार जी बिनानी, मैं पटना से आए हुए श्री अनिल कुमार जी झुंझुनवाला से अनुरोध करता हूँ, वो कृपया यहाँ आकर उनका सम्मान करें। सर, ये आपका सम्मान माने हमारा सम्मान होता है, श्री किशन कुमार जी बिनानी। बोलिए बाबा गंगाराम की। और इसके पश्चात में यहाँ उपस्थित श्री मधुसूदन जी लाटा से अनुरोध करता हूँ, वो कृपया मंच पर आवे और उनका हम सम्मान करना चाहेंगे। श्री मधुसूदन जी लाटा। मैं श्री सुधीर जी अग्रवाल से अनुरोध करता हूँ, पटना से आए हुए, कृपया आवे और इनका सम्मान करें। किशोर जी माल से अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पर आवे और उसके लिए मैं श्री सत्यनारायण जी सरावगी कोलकाता साहिब है उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, कृपया उनका सम्मान करें। श्री नंद किशोर जी माल। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बोले बाबा गंगाराम की, बोले पंचदेव दरबार की, बोले सच्चे दरबार की। जोरदार तालियों से स्वागत। और इसके पश्चात में श्री रमन लाल जी सिंघानिया जो है हमारे उपस्थित है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आवे, हम उनका सम्मान करेंगे। श्री रमन लाल जी सिंघानिया। श्री मुरारी लाल जी खेतान सिंधोलिया से आए हुए, उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया यहाँ आवे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत।
बोले बाबा गंगा राम की, बोले पंचदेव दरबार की, बोले सच्चे दरबार की। और श्री विजय कुमार जी चौधरी, उनसे अनुरोध करता हूं वो कृपया आवे। श्री बद्री भैया से अनुरोध करता हूं वो कृपया मंच पाके उनका सम्मान करें। पांडेश्वर साहिब श्री बद्री भैया, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। बोले बाबा गंगा राम की, जयकारे में बहुत कमी है, जोरदार से जयकारा बोलिए। बोले बाबा गंगा राम की, और तालियों से इनका स्वागत। मैं श्री विजय कुमार जी मल से अनुरोध करता हूँ कृपया आवे, हम उनका सम्मान करेंगे। श्री विजय कुमार जी मल, श्री वेदांत सिंह खेमानी राउरकेला से आए हुए, उनसे अनुरोध करता हूँ वे आवे। जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए बाबा गंगा राम की जय। और श्री रमेश कुमार जी तिवड़ीवाल, उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आवे। मैं श्री सत्यनारायण जी सरावगी कोलकाता साहिब, उनसे अनुरोध करता हूँ वे आवे और उनका सम्मान करें। श्री रमेश कुमार जी तिवड़ीवाल, बोलिए बाबा गंगा राम की। श्री रमेश कुमार जी तिवड़ीवाल, धन्यवाद। हमारे बीच हमारे बड़ा बाजार से आई हुई 92 वर्षीय हमारी नानी जी श्री राधा देवी गेड़िया, मैं श्री ब्रिजमोहन जी तुलचंद से अनुरोध करता हूँ वो कृपया आकर वह सम्मान ग्रहण करें। श्री ब्रिजमोहन जी केड़िया, हमारे बीच पुरलिया श्री मारोड़ी पंचायत के सभापति राधा देवी केड़िया के लिए श्री ब्रिजमोहन जी तुलसिया खड़िया और उनका सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। बोले बाबा गंगा राम की जय। श्री रामलाल जी टाटिया पुरलिया श्री मारवाड़ी पंचायत के अध्यक्ष हमारे बीच में है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। मैं श्री रामलाल जी टाटिया से अनुरोध करता हूँ कृपया मंच पर आवे। श्री रामलाल जी ठाटिया, जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए बाबा गंगा राम की जय। बोलिए पंचदेव दरबार की जय।
और अंत में हमारे बीच दिल्ली से आई हुई हमारी मौसी जी श्री मीना देवी लाड से अनुरोध करता हूँ वो कृपया मंच पर आवे। उनका सम्मान के लिए मैं श्री मती कमला देवी झुंझुनवाल से अनुरोध करता हूँ आकर उनका सम्मान करें। श्रीमती मीना देवी लाड श्रीमती कमला देवी झुंझुनवाल से अनुरोध करता हूँ वो आकर जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। अभी बोलिए बाबा गंगाराम जी की जय। ये सम्मान हम सबका है, ये सम्मान बाबा गंगाराम जी का है, भक्त शिरोमणि का, माता गायत्री का है। आइए, समय अपनी गति से चल रहा है, समय के अनुसार सारे काम हो जाए तो बिल्कुल अच्छा लगता है। हमारे सारे कलाकार भी तैयार हैं, नृत्य नाटिका बाबा गंगाराम जी के जीवन पर आधारित हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं विनती करूंगा, हमारा भाई मनीष पुरुलिया में, और ये बाबा जी का ये भी बड़ा प्यारा भक्त है, ये पुरुलिया का बड़ा प्यारा कलाकार है। बाबा जी की कृपा के लिए इसने समिति में आके हमसे कहा था कि भाई एक भजन की अर्जी मेरी होनी चाहिए, सारी दुनिया में जा जाकर ये भजन गाता है। बाबा जी के दरबार में सबको मौका मिलता है, जो भी आते हैं दरबार में, तो मैं विनती करूंगा भाई मनीष से एक प्यारा भजन, और इस भजन के बाद बाबा जी की नित्य नाटिका हम लोग शुरू करेंगे। एक बार मनीष भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार दुपट्टा और मोमेंटो पहना के। हेलो हेलो राजू भाई, और भाई मनीष का सम्मान हमारे पटना साहेब बड़े भैया दिवाकर भैया। राजू भाई शीशा सी सात सी हेलो हेलो चारू बोलिए हर सिद्धि माता की, एक जयकार लग रही है। बोलिए बाबा गंगा राम जी की, बोल पंचदेव भगवान की। आइए दरबार लगा है, सबसे बड़ी बात तो पुरुलिया शहर के लिए बड़े किस्मत की बात है, पुरुलिया शहर के लिए पूरे, क्योंकि बाबा गंगा राम का दरबार लगा और बाबा ने कृपा बरसाई है। तो बाबा से कुछ बातें करें अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए। मिलकर बाबा से ये अर्जी लगाएं आप सब मिलकर कि बाबा ये दरबार हर साल लगना चाहिए, पुरुलिया शहर में बाबा का दरबार हर साल लगना चाहिए। आइए मिलकर के एक जयकार, बोले बाबा गंगा राम भगवान के। मैं तो हूँ बाबा बहुत दुखारी, मैं तो अगर तकलीफ होगी तभी आवाज निकलेगी, हाय वाली जो आवाज होती है ना वो तकलीफ होने से निकलती है। बाबा की कृपा है कि आप लोग सुखी हैं और सुखी रहें, लेकिन अपने बगल वाले के लिए जरूर कह देना मैं तो हूँ बाबा बहुत दुखारी आया
दर्शन करा दे आए पुजारी, दर्शन करा दे लगन तेरी लगी दिल में तुम्हारे पास आया हूँ, लगन तेरी तुम्हारे पास आया हूँ, लगा दो पार आके वो गंगा राम बाबा सुन पड़ी मझधार में नैया, उठा पतवार आके कौन कौन अपनी पतवार बाबा के भरोसे सौंपने आया, पीछे वाले आगे वाले सारे हाथ खड़े करके ये ताजा बजा कर कहना, वो गंगा राम बाबा सुन पड़ी मझधार में नैया, वो गंगा राम बाबा सुन पड़ी मझधार में नैया, उठा पतवार आके सारे मिल कर तालियों की आवाज आनी चाहिए। आज मुझे नहीं पता कि पटना वाले आए हैं भगत, कलकत्ता वाले आए हैं, मुझे इतना पता है बाबा गंगा राम आए हैं, उनके स्वागत में तालियां कमजोर नहीं बजनी चाहिए, तालियां बजा के जोर डाल। मैं तो हूँ बाबा बहुत दुखारी, दर्शन करा दे आए पुजारी, दर्शन करा दे आए पुजारी, तुम्हारा नाम सुन करके शरण में आ पड़ा बाबा, तुम्हारा नाम सुन करके शरण में आ पड़ा बाबा, सहारा दे दुआ के सहारा दे दुआ के, बाबा सुन पड़ी मझधार में नैया, उठा पतवार आके उठा पतवार आके, तालियों की आवाज आनी चाहिए पीछे वाले, ये जरा जोरदार की तालियां, एक ये दो ये तीन ये चार। मालिक मानते हो, मालिक के लिए ऐसी आवाज नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाओ पहले। हे मेरे मालिक देना सहारा, हे छोड़ न दे अब लगन जिसको जिसको बाबा से लग गई है, पीछे वाले आगे वाले ना तालियां बजा के कहो, लगन तेरी लगी दिल में तुम्हारे पास आया हूँ, लगन तेरी लगी दिल में तुम्हारे
क्या बैकुंठ क्या स्वर्ग का करना है, क्या बैकुंठ क्या स्वर्ग का करना, हमको प्राण से प्यारा। बाबा का मंदिर कहाँ है जरा जोर से बोलो। झुंझुनू धाम हमारा, ओ झुंझुनू धाम हमारा, झुंझुनू धाम हमारा, आए झुंझुनू धाम हमारा। अब बोलो क्या बैकुंठ क्या, क्या बैकुंठ क्या, हमको प्राण से प्यारा। किसको किसको प्यारा, एक बार हाथ खड़े करो और तालियां बजाना जरा जोरदार, एक बार जोरदार। झुंझुनू धाम हमारा, ओ झुंझुनू धाम हमारा, झुंझुनू धाम हमारा, आए झुंझुनू धाम हमारा। ये तालियां बजाओ जरा झुंझुनू धाम के लिए, जरा तालियां बजाओ जरा। मेरी नैया तालियां बजाओ जरा मिलकर। बाबा को ये तालियां ही पसंद है, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे मेरा पता है, नवीन भैया के मुख से बाबा गंगाराम के परिचय बहुत सुने हैं मैंने, और आज मैं अभिलाषी हूँ कि बाबा कृपा मुझ पर भी करें, मुझे दास पर भी, मुझ सेवक पर भी। इसलिए कह रहा हूँ, मेरी नाव बड़ी मजेदार कहीं डूबे न जाए, मेरी नाव बड़ी, हो मेरी नाव बड़ी मजेदार कहीं डूबे न जाए। हाथों से तेरे पतवार, हो हाथों से तेरे पतवार कहीं छूट न जाए, मेरी नाव बड़ी मजेदार कहीं डूब न जाए, हो मेरी नाव बड़ी मजेदार कहीं डूब न जाए। कौन कौन चाहता है कि नैया डूबे नहीं, कौन कौन चाहता है, जरा हाथ खड़े करो और बाबा जरा दिखा दो, बाबा को दिखा के जरा तालियां बजा के, एक दो तीन चार। भजन को कंप्लीट करूं, कमजोर तालियां नहीं, मिलकर पीछे वाले भी भैया तालियां बजाओ जरा, और आखिर में कह देना बाबा से, कब से पुकारूं सुनता नहीं है, कब से तेरे सिवा आखिर में लिखने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, नहीं कोई सहारा है, नहीं कोई सहारा है, मगन रहता हूँ फिर भी मैं तुम्हारे गीत गा के, तुम्हारे
तुम्हारे गीत गा के। जो जो प्रभु के भक्ति में मगन एक बार हाथ खड़े करना और ये ताली बजाते हुए कहना, ओ गंगा राम बाबा सुन बड़ी मजेदार में गैया, उठा पतवार आगे, उठा पतवार आगे। ओ गंगा राम बाबा सुन बड़ी मजेदार में गैया, उठा पतवार आगे, उठा पतवार आगे, उठा पतवार आगे, उठा पतवार जोरदार लगा देना। बोल बाबा गंगा राम की, बोल पंचदेव भगवान की। एक बार तालियां बजा भाई के लिए, जोरदार ताली बजा दीजिए, बजा दीजिए। और मैं बाबा जी से विनती करूंगा, क्योंकि ये SCI के माध्यम से यूट्यूब लाइव भी चल रहा है, सारा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व आज के इस उत्सव को देख रहा है, पूरा विश्व। YouTube जहाँ जहाँ चैनल चालू है, पूरा YouTube में पूरा विश्व आज के इस उत्सव को देख रहा है। और बाबा गंगाराम जी के श्री चरणों में विनती करूंगा कि जल्दी से भाई मनीष को मंदिर में भी अर्जी लगे और इस पर भी बाबा जी की कृपा हो। और ऐसे ही बाबा, बड़ी इच्छा है मेरी बाबा गंगाराम के मंदिर में अगर हाजिर लग जाए भैया, बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। एक बार जरा जोरदार जयकार लगा देना, बोल बाबा गंगाराम की जय। हेलो हेलो, अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ नवीन जी शर्मा। हेलो, जो हेलो नवीन जी शर्मा जो कुविख्यात एकदम गायक भी हैं और पुरलिया के रहने वाले हैं जी। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, बोलिए बाबा गंगाराम की जय। यही नहीं पहुंच रही आवाज तो वहां कैसे पहुंचेगी। एक जोरदार जयकारा, बोलिए बाबा गंगाराम की। और इन हेलो हेलो हेलो, थोड़ा सा इसको दुपट्टा और मोमेंटो पहना रहे हैं सुधीर जी अग्रवाल। नवीन जी जोशी का स्वागत कर रहे हैं श्री सुधीर जी अग्रवाल पटना समिति द्वारा, जोरदार तालियों से स्वागत। बोलिए बाबा गंगा राम की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। मेजर मेजर, और पुरलिया में नवीन जी जोशी की हाजिरी बाबा के दरबार में लग रही है, इनके अथक प्रयास और सारी समितियों के संयोग से बाबा जी की आज कृपा हुई है, जो कि पुरलिया में ये भव्य विराट भजन एवं कीर्तन का उत्सव मनाया जा रहा है। जोरदार एक ताली होनी चाहिए बहुत जयकारे के साथ में, बोलिए बाबा गंगा राम की नवीन जी जोशी। हेलो हेलो, गेंद बड़ा था ठीक ठीक। हेलो हेलो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, बोलिए बाबा गंगाराम की, भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की जय, परम आराधिका माता गायत्री की जय, पंचदेव दरबार की, साचे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय, बातचीत करने वालों की जय। और एक पुरलिया में ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पहली बार ऐसा हो रहा है, ये जरूरी है पहली बार आप आए हैं शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। बोलिए जय नहीं बोलने वालों की, ये पहली बार बोला मैंने पुरलिया में आज, बोलिए जय बोलने वालों की। हाँ देखिए, विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम, इनकी महिमा अनंत है अपार है। सीधे शब्दों में मैं कहूं अगर, जब त्रेता युग में राम जी आए थे, आप ही आपने भी रामायण देखी है, टीवी में पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, भागवत सुनते हैं देखते हैं, ये आप सब जानते होंगे कि राम अवतार के समय प्रभु राम को किसी ने भगवान नहीं माना था। द्वापर में कृष्ण अवतार में कृष्ण को किसी ने भगवान
नहीं माना, उनका अवतार हो गया, उन्होंने अपना काम कर दिया, प्रभु राम स्वधाम चले गए, तब रामायण लिखी गई, आज हम लोग पढ़ते हैं घर घर में। गीता भी भगवान कृष्ण के अवतार के बाद, महाभारत युद्ध के बाद लिखी गई, आज हम लोग पढ़ते हैं घर घर में। तो हमें पता चला कि राम जी ने ऐसा किया, राम जी के साथ हनुमान जी ने ऐसा किया, कृष्ण जी ने ऐसा किया, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए, इतने दुष्टों को मारा। लेकिन ये प्रत्यक्ष लीला कलयुग में बाबा जी की विशेष कृपा है, हम बच्चों को दिखा रहे हैं, हम भक्तों को दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष विष्णु अवतारी की लीला कलयुग में चल रही है। मैं विनती करूंगा हाथ जोड़कर थोड़ा सा शांति का दान प्रदान करें, नित्य नाटिका हम लोग शुरू करें। सूक्ष्म रूप में मैं बाबा जी के बारे में आपको जितना मुझे ज्ञान है, जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने समझा है, मैं आपको बताऊं, ये मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है। झुंझुनू में 1975 में मंदिर बना था, अभी 2018 चल रहा है, कितने साल हो गए, लगभग 43 साल पहले ही ये मंदिर बना। बाबा गंगाराम जी के अनन्य भक्त देवकी नंदन जी मोदी, जो इधर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कलकत्ते में रहते थे और उस समय के करोड़पति थे, ये उस समय के करोड़पति थे, कलकत्ते में रहते थे। बाबा जी के अनन्य भक्त, जैसे राम जी के साथ हनुमान आए, कृष्ण के साथ नरसी, मीरा, सुदामा, अर्जुन, उसी तरह बाबा गंगाराम जी का अवतरण हुआ तो उनके साथ उनके भक्त देवकी आए। बाबा जी की महिमा का प्रचार इन्होंने शुरू किया। जैसे जैसे देवकी नंदन बड़े होते गए, भक्ति बढ़ती गई, देवकी नंदन जी का विवाह हुआ। इधर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्हें हम लोग माँ गायत्री कहते हैं, ये भक्त शिरोमणि जी की धर्मपत्नी की तस्वीर है, देवी गायत्री जी की। भक्त शिरोमणि और देवी गायत्री, इन दोनों की 6 संतानें, 4 लड़कियां 2 लड़के, सबके सब बाबा गंगाराम जी की सेवा में लगे। सांसारिक होने के बावजूद भी अनन्य भक्ति बाबा जी की वो लोग करते थे। फिर एक दिन वो हुआ जिसके लिए बाबा गंगाराम का इस धरती पर अवतरण हुआ था। भक्त शिरोमणि को सपने में आकर कलकत्ते में बाबा गंगाराम जी ने दर्शन दिए और कहा, उठो देवकी, अब झुंझुनू जाओ, वो समय आ गया है कि मैं धरती पर मूर्तिमान होकर सब जग जन का कल्याण करूं, और इसके लिए मैं तुम्हें माध्यम बनाना चाहता हूं, तुम्हें चुनना चाहता हूं, क्योंकि मेरे हनुमान तुम ही हो। भक्त शिरोमणि भाव विभोर हो उठे, इतना बड़ा आदेश, इतना बड़ा वचन। देखिए, मंदिर मैं भी बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, जिसकी भी मन में इच्छा होती है मंदिर वो बना सकता है। लेकिन धाम, धाम तभी बनते हैं जब भगवान चाहते हैं, और जिस भक्त को भगवान बोलते हैं कि तुझे मेरा धाम बनाना है, भक्त शिरोमणि के सपने में दर्शन के बाद भक्त शिरोमणि भाव विभोर हो उठे। तब उनकी धर्मपत्नी देवी गायत्री ने बताया कि आप क्यों चिंता करते हैं स्वामी, पग पग पर बाबा गंगाराम हमारे साथ हैं, वही बेड़ा पार लगाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बाबा जी ने भी कहा कि देवकी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने हाथ बढ़ाओ। भक्त देवकी कलकत्ते से झुंझुनू आए और मंदिर का शिलान्यास हुआ, मंदिर बनना शुरू हुआ। ये 2018 चल रहा है, 44, 43, 42 साल पहले हम जाते हैं। भरा पूरा परिवार भक्त देवकी का, और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि दुनिया में इतिहास उठाकर देख लीजिए, रामायण उठाइए, गीता उठाइए, कोई भी शास्त्र उठाकर देखिए, एक बार आपको सबसे हमेशा एक बात सामने आएगी कि दुनिया में जितनी तकलीफ भगवान के अनन्य भक्तों ने सहन की है, दूसरे किसी ने नहीं की है ना। अगर नरसिंह मेहता इतना नहीं रोता तो सांवरा क्या बायरा भरने आता। नानी बाई ने प्राण देने चली गई तब आया, मीरा ने विष पी लिया उसे अमृत बनाया। भक्त को हमेशा तकलीफ सहन करनी पड़ती है। अब भक्त शिरोमणि की भक्ति की परीक्षा थी, जैसे जैसे मंदिर बन रहा था अपने ही परिवार के भाइयों ने ताने मारने शुरू कर दिए, ये बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ा मंदिर बना रहा है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तरह तरह के ताने, तरह तरह की बातें। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सांच को कभी, जोर से बोलिए, सांच को कभी
ना कभी आई है ना कभी आएगी, जो सत्य की राह पर चलता है। लेकिन ये जरूर है उनकी राह पर सबसे ज्यादा कांटे होते हैं, सबसे ज्यादा अंगारे होते हैं। और भक्ति की लौ में तपकर जब भक्त कुंदन बन जाता है तो भक्त शिरोमणि कहलाता है। भक्त शिरोमणि ने का अथक प्रयास, अथाह भक्ति, बाबा जी के प्रति प्रेम, विशाल मंदिर पंचदेव मंदिर बनकर तैयार हुआ। और झुंझुनू वालों का ये कहना है, हम लोग झुंझुनू जाते हैं, बातें होती रहती है कि जब ये मंदिर बन रहा था तो ऐसा लग रहा था साक्षात विश्वकर्मा जी खड़े होकर ये मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर धूमधाम से बना, मंदिर का उद्घाटन हुआ, शंकराचार्य जी ने आकर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न कराया, पाटोत्सव संपन्न कराया। फिर मंदिर देवकिरण जी का आना जाना लगा रहा। कुछ दुष्टों ने ऐसा काम मंदिर में कर दिया जिसके चलते बाबा गंगा राम पर भी उंगली उठी, भक्त शिरोमणि पर भी उंगली उठी। परंतु कहते हैं ना, भगवान और भक्त जब दो साथ में चलते हैं तो सारी विपदाएं कट जाती है, सारे संकट दूर हो जाते हैं। भक्त शिरोमणि का संकट भगवान बाबा जी ने काटा। और भक्त शिरोमणि जो उस समय करोड़पति अरबपति थे, अपने जमाने के पढ़े लिखे बच्चे सब स्कूल वगैरह पढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अपना सारा जितनी सारी चल अचल संपत्ति थी, जितनी संपदा थी, तुलसी दल लेकर सब कुछ दान कर दिया। यहाँ तक कि उनका सोने का दांत था वो नहीं निकल रहा था, उन्होंने भी किसी तरह तोड़ताड़ कर निकाल कर वो भी दान दे दिया। मोह माया से सबको छोड़कर उन्होंने मन में ठान लिया कि अब मैं कलकत्ते में नहीं रहूंगा, अब मैं मेरे बाबा जी की सेवा में रहूंगा, झुंझुनू ही जाऊंगा। इस दान के बाद सारे बच्चों ने भी उस दिन ये भीष्म प्रतिज्ञा की कि माता पिताजी हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे, और हम भी ये भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से जब तक हमारी सांसें हैं हम बाबा जी की सेवा करेंगे और हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, दुनिया में हमें कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। ये बात मैं जहां जहां बाबा जी का उत्सव होता है पूरी पूरी इंडिया में हर जगह जाकर पूछता हूँ, पुरलिया में भी पूछूंगा, कोई ऐसा भक्त आपकी नजर में है क्या जिसने भगवान के लिए इस कलयुग में ऐसा त्याग किया हो? देखा है कहीं आपने? तो आप ये मानोगे कि कहीं ना कहीं विष्णु अवतारी हैं तो इतना बड़ा त्याग हुआ? मानोगे हाँ कि ना? जोर से बोलिए, पूरा विश्व देख रहा है, जोर से बोलिए। और ये हुआ, पूरे परिवार के साथ मंदिर में रहने लगे, मंदिर ही उनका घर हो गया, परिवार हो गया, संसार हो गया, दिन रात बाबा जी की सेवा और कुछ नहीं। समय गुजरा, आप सीढ़ी से ऊपर आ रहे थे तो एक बैनर लगा हुआ चिता की चमत्कार का, आप लोगों ने देखा 21 अप्रैल 1992 की वो घटना है। भक्त शिरोमणि बाबा गंगा राम नाम लेते हुए महाप्रयाण कर गए, पीछे छोड़ गए अपनी धर्म पत्नी, 4 पुत्रियां 2 पुत्र। मंदिर प्रांगण में है उनकी चिता को मुखाग्नि दी गई, सैकड़ों लोग मौजूद थे, मानने वाले भी नहीं मानने वाले भी, वहां भी तानों का दौर शुरू था, लो अब ये चला गया, अब क्या होगा, अब देखे ये बच्चे क्या करती हैं, ये गायत्री जी क्या करती हैं। दुनिया वालों के ताने, माँ गायत्री के मन इतना मन विचलित हुआ, उन्होंने जलती चिता जल रही थी, आधे से ज्यादा जल चुकी थी, उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए, सूर्यदेव को साक्षी मानकर बाबा गंगाराम से पुकार की कि हे मेरे आराध्य बाबा गंगाराम, अगर आप विष्णु अवतारी हैं और ये चिता जिसकी जल रही है आपका अनन्य भक्त शिरोमणि देव के नंदन है, तो आज दुनिया को ये चमत्कार दिखाना होगा, कोई ना कोई चमत्कार आपको आज दिखाना होगा, नहीं तो मैं ये ताने नहीं सह पाऊंगी, अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी। जलती चिता में गड़गड़ाहट हुई, हम लोग जब भी अपने समाज में कोई भी चिता में मुखाग्नि देते हाथ ऐसे पीछे कर देते हैं बॉडी के नीचे ताकि निकले नहीं, नहीं आता है तो तोड़कर भी अंदर ऐसे कर देते। जलती चिता से, उस चिता के ऊपर से भक्त शिरोमणि का यह दाहिना हाथ ऐसे निकला और आशीर्वाद की मुद्रा में ऐसे हिलने लगा जब माँ गायत्री ने पुकार की। ये पहला चमत्कार हुआ। बोलिए बाबा गंगा राम की।
जो मानने वाले थे चरणों में गिर गए, नहीं मानने वाले भी गिर गए कि हमारे माया का फंदा था। दूसरा चमत्कार हुआ, चेहरा भक्त शिरोमणि का बिल्कुल बाल रूप में परिवर्तित हो गया, दो तीन महीने के बच्चे जैसा। सैकड़ों लोग देखिए ये बात, कानों सुनी बात नहीं, आंखों से देखा है लोगों ने। तीसरा चमत्कार हुआ, सिर से पानी की धारा शुरू हुई निकलनी, जो निरंतर आधे पौने घंटे तक निकल रही थी। चारों तरफ बाबा जी की जय जयकार हुई। 25 साल तक माँ गायत्री ने अपने त्याग तपस्या साधना से इतना बड़ा परिवार बनाया बाबा जी का, इतने भक्तों को बाबा जी के श्री चरणों से जोड़ा और इतने भक्तों के काम बनाए। मैंने देखा है 15 साल शादी को हो गए, अमेरिका में रहने वाले सब इलाज कराकर हार गए, संतान नहीं हुई। बाबा जी के दरबार में आए, अर्जी लगाई, अगर संतान हुई तो आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। अगले साल वो गोद में लल्ला लेकर बाबा जी के दरबार में आए, मेरी आंखों देखी बात है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये तो छोटे मोटे चमत्कार है, अगर बाबा जी चाहे ना तो काल भी उस भक्त का कुछ नहीं कर सकता, चाहे मौत लिखी क्यों ना हो। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे साथ करीब करीब 4 से 5 बार ऐसे हादसे हुए हैं कि बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था, लेकिन मुझे खनोच भी नहीं आई, बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं बाबा जी की सेवा में लगा रहता हूँ, इसलिए पुरुलिया के लिए 4 सालों से मैं विनती कर रहा था, मंदिर में अर्जी कर रहा था कि कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। आज कृपा हो गई और आज आप सभी बैठे हैं बाबा जी के इस श्री चरणों में, बाबा जी के इस प्यारे दरबार में। मैं विनती करूंगा आपसे, बाबा जी की चालीसा है, मंदिर की रज है बालू, उसको हम लोग रज बोलते हैं, हमेशा मैं भी अपने साथ रखता हूँ। हम कलाकारों पर तो प्रेशर होता है, जब ज्यादा प्रोग्राम होते हैं तो गला बैठ जाता है, मैं नहीं डरता, 10-10 घंटे गवा लो, गला बैठ जाएगा, मैं रज लेता हूँ, बाबा जी का नाम लेता हूँ, जब गाता हूँ ऐसा लगता है गला कभी बैठा ही नहीं था। ये तो सैकड़ों बार हो गया, ये रज की डब्बी है। और ये रज लेने से कितने कलेश मिटे हैं, कितनी तकलीफें दूर हुई है, कैंसर जैसा रोग इस रज ने ठीक किया है। ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये सब छोटी मोटी बातें हैं, बाबा जी के चमत्कार इससे बहुत 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 बड़े हैं, बहुत बड़े बहुत बड़े। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जहां जहां बाबा जी के कीर्तन होते हैं, नए भक्त आते हैं, वो जाते हैं बाबा जी के दरबार में, काम बन जाता है, उसके बाद वो बाबा जी के हो जाते हैं। सूरज पश्चिम से उग सकता है, सुन लीजिए एकदम, मैं दरबार में बात बोल रहा हूँ, मैं भी पुरलिया का हूँ, आप सभी मुझे जानते हैं। आप कोई भी मनोती आज मांग लीजिए, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर आप विश्वास के साथ इस दरबार में बाबा जी से जुड़ोगे, सच्ची श्रद्धा सच्चे भाव से जुड़ोगे, क्योंकि इस दरबार में कोई आडंबर कोई दिखावा नहीं है, बाबा जी के इतने भक्त हैं ना, बड़े बड़े अरबपति करोड़पति हैं। मैंने देखा है मंदिर जाते बोलते, माँ ये मंदिर का दरवाजा लकड़ी का, ऐसे चांदी का बना दे। अनिल भैया, माँ के बड़े बेटे अनिल भैया से हम लोग बोलते हैं, सब भक्त बोलते हैं, ये बाबा जी का सिंहासन ऐसे, इसको चांदी का बना दे। तो माँ भी कहती थी और अनिल भैया भी कहते हैं, माया मोह में अगर भक्त रहेगा तो भगवान जिंदगी में नहीं मिलेंगे। अगर सोने चांदी से भगवान खुश हो जाते, उनके घर में तो भंडार भरे पड़े हैं। ईमानदारी की बात बोलना, जिसने सिर पर छत दी हो हम उसे क्या छत्तर चढ़ाएंगे, जो 2 वक्त की रोटी देता उसे क्या 56 भोग खिलाएंगे, हमारी औकात देगा, जिंदगी में नहीं होगा। ये भाव के भूखे हैं, और जिसने भाव परोस दिया बाबा जी उसके हो गए। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार आजमा लेना, वरना आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, स्वार्थ रूपी भक्ति जिंदगी भर चप्पल घिस के एड़ी घिस के लोग मर जाते हैं, रत्ती मात्र भी नहीं मिलता। और निस्वार्थ एक बार बाबा जी के दरबार में आओ, क्योंकि सूरज पश्चिम से उग सकता है, दुनिया का सारा पानी सूख सकता है, ये हो सकता आने वाले दिनों में हो जाए, लेकिन गंगाराम के चरणों में जिसने सर झुकाया, बाबा जी उसके सिर पे हाथ नहीं रखें, ऐसा नहीं हो सकता। कृपा बाबा जी की होगी, 100 बार होगी, 1000 बार होगी, बस लेने वाला चाहिए। तो आइए मैं विनती करूंगा, बाद बाकी हम लोग नृत्य नाटक आपको दिखाएंगे तो बाबा जी का महिमा और समझ में आएगी। एक बार जितने भी भक्त बैठे हैं, एक जयकार ऐसी लगनी चाहिए, मुझे भी लगे, बाबा जी को भी लगे कि मैं पुरलिया आया हूँ, और ये भक्तों के मन में इच्छा हो रही है कि एक बार ये झुंझुनू जरूर जाएंगे। एक बार की कोशिश आप कर लो, आगे बाबा जाने बाबा का काम जाने। तो एक जयकार ऐसी लगे कि बाबा जी को लगे मेरे भक्त बैठे हैं मेरे चरणों में। एक बार जितने भी भक्त बैठे हैं बोली बाबा गंगा राम की, क्या बात, भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की, पंचदेव दरबार की, परम आराधिका माता गायत्री की और माता के परिवार की। आइए
हो गंगा माही राम समाए गंगा राम बन धरती पे आए। मेहनत नहीं कराऊंगा, बिल्कुल आराम से बैठिए, लेकिन एक बार गाना होगा। जय श्री गंगा राम बोलो, जय श्री गंगा राम बोलिए पीछे से एक बार बोल दीजिए ना सारे। जय श्री गंगा हो कलयुग में विष्णु अवतारी गंगा राम की है महिमा भारी। जय श्री गंगा राम बोलो, जय श्री गंगा राम, जय श्री गंगा राम बोलो, जय श्री गंगा राम। भक्त शिरो करते हैं वंदन, जय श्री गंगा राम बोलो, जय श्री गंगा राम बोलिए, जय श्री गंगा राम बोलो, जय श्री गंगा राम। उस युग में सीता सावित्री ओ, 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 ओ कलयुग में माता का जय श्री गंगा। देखिए मैं या बाबा गंगाराम सेवा समिति या मंदिर कोई कभी नहीं बोलते कि आप सारे देवी देवताओं को छोड़ दो, केवल बाबा गंगाराम को मनाओ। पहले अपने घर के कुल देवता, उनसे बड़ा कोई नहीं है ना, पहले उनको मनाइए फिर बाबा जी की शरण में आ जाइए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सबके घर में फैमिली डॉक्टर होता है कि नहीं। दादाजी बोले मेरो भी इलाज करो, तो बेटो बोले मेरो भी, पोतो बोले मेरो भी। लेकिन कभी इंसान इस मुश्किल में फंसता है कि वो फैमिली डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को रिकमेंड करता है, आपकी बीमारी मेरे समझ में नहीं है, वहां जाइए। दूसरा डॉक्टर तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को, छठे में जाके आपका इलाज होता है। अगर वो बीमारी किसी को लग जाए आपके जानने वाले को, आप क्या करोगे? उन पांचों के पास घुमाओगे कि डायरेक्ट बोलोगे छठे के पास जाओ? ईमानदारी की बात बोलिए, तो समझ लीजिए छठा यही है। यहाँ हर चीज का जवाब मिलता है इस पंचदेव दरबार में। बाबा जी की इतनी अनंत महिमा, इतनी अनंत महिमा, तो एक बार मैं विनती करूंगा, ये यूट्यूब के माध्यम से पूरा वर्ष, भारत वर्ष नहीं वर्ल्ड देख रहा है, एक बार कैमरा जरा भक्तों की तरफ घुमा लेना, एक भी हाथ पुर्लिया वालों के नीचे नहीं, केवल एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए, बाबा जी के स्वागत में उठ रहे हैं ये हाथ, और तालियां बजा कर एक बार गाइए जय श्री गंगा। बोलिए बोलिए जय श्री गंगा राम बोलो, जय श्री गंगा राम। हो पुरुलिया वालों के भाग जगाए, झुंझुनू से मेरे बाबा आए, जय श्री गंगा राम बोलो, जय श्री गंगा राम, जय श्री गंगा राम बोलो, जय श्री गंगा राम। और सब भक्तों की तरफ से, सब भक्तों की यही है विनती, बाबा सब भक्तों की अर्जी ये प्यारी, कृपा करना हम पे तुम्हारी, जय श्री गंगा राम बोल, जय श्री गंगा राम, जय श्री गंगा राम बोल, जय श्री गंगा राम। बोलिए बाबा गंगा राम की। आइए बाबा जी की महिमा की नित्य नाटिका, ये अद्भुत है।
मैं विश्वास दिलाता हूं बाबा जी की महिमा देखकर आपके आंखों से आंसू भी आएंगे, भक्ति शिरोमणि की भक्ति देखकर आपके आंखों से आंसू आएंगे, आप बाबा जी के चरणों में लीन हो जाओगे, यह भी मेरा दावा है। लेकिन एक विनती है, बिल्कुल सच्ची भावना से, इस दरबार में कोई आडंबर कोई दिखावा नहीं है। आप बोलोगे मुझे मंदिर में 5 लाख रुपए देने हैं तो मंदिर से आपको जवाब मिलेगा किसी गरीब कन्या का विवाह करवा दीजिए, बाबा जी को देने से अच्छा वो ज्यादा बड़ी बात है।